नमस्कार, बीएससी सेकेंड ईयर। चलिए बेटा, आपकी क्लास शुरू करते हैं। और आज जो हम जो रिवीजन का जो हमारा पहला क्लास है, उसमें हम पेपर जो हमारा आप जो आपका पेपर वन है, उसकी पहली यूनिट का ही टॉपिक हम देख रहे हैं, जो कि है ऋणेतर पदों की श्रेणियों का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ नॉन सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स। ऋणेतर पदों की श्रेणियों का अभिसरण। मोस्टली इसमें जो सवाल आपके आएंगे, वो आपके आएंगे किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंस के टेस्ट का आपको सवाल पूछता है। तो अलग अलग टेस्ट हैं हमारे पास। मैं आपको यहाँ पर समरी बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक सीरीज को पहचानते हैं और उस पर टेस्ट लगाते हैं, किस ऑर्डर में वो टेस्ट लगाना है, ये आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक श्रेणी क्या होती है, ठीक है। और श्रेणी जो होती है, सीक्वेंस के ही टर्म, हमारे पास यदि कोई सीक्वेंस है तो उसके टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस हम लगा दें तो वो क्या बन जाती है, एक सीरीज हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया कि एक हमारे पास अनुक्रम है, यू एन, जहाँ पे एन कहाँ से जा रहा है, वन से इन्फिनिटी। तब फिर हमारे पास एस एन हम डिफाइन करते हैं, समेशन आई इज इक्वल्स टू वन टू एन यू एन, यू आई इस तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसा, यू वन प्लस यू टू प्लस सो ऑन यू एन, ठीक है। ये एनथ टर्म कहलाता है, ये एनवा पद, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका जो जो लिमिट होगी वो हम कैसे लेते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन बराबर एस हम लेते हैं, जो कि हो जाता है क्या, समेशन आई इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी यू आई, ठीक। ये यदि ये परिमित राशि है तब हम क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे कि श्रेणी कैसी है आपकी, अभिसारी। और यदि ये दोलायमान है या फिर परिमित राशि नहीं आती है, यदि ये प्लस माइनस के बीच में दोलन करती है या इन प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है, तब इसको हम बोलते हैं अपसारी, ठीक है। ये बेसिक इसका डेफिनेशन हो गई, ओके। अब हम आते हैं टेस्ट पर। अब हम आते हैं किस पे, टेस्ट पर। तो टेस्ट का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। अलग अलग टेस्ट हैं हमारे पास, आप बुक में देखेंगे। समरी, एक कम से कम एक ऐसा कॉपी बना लीजिए जिसमें सारे परीक्षणों का आप मेमोराइज करके या स्मॉल फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। इन्हें सिर्फ तरीका आपको लिखना है, सारे टेस्ट का तरीका आपको एक जगह लिख के रखना है, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं हम क्या किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा किसी भी श्रेणी का अभिसरण निकालने के लिए, हमको जो श्रेणी दी गई होगी वो एक बेसिक फॉर्मेट में दी रहती है, या तो उसमें एक्स होगा या तो सिर्फ नंबर नंबर्स होंगे और उसका एक फॉर्मेट होगा। तो जो पहला स्टेप होता है परीक्षण, समरी, ठीक है, मैं समरी फॉर्म में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसको डिटेलिंग नहीं करूँ क्योंकि हमारे पास बेसिकली फॉर्मूलेज हैं ही सारे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परीक्षण से या अवलोकन से यू एन ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना है आपको, एनवा पद, एनवा पद आपको निकालना है। हो सकता है इसमें पहला पद त्याग भी सकते हैं, त्यागने पर त्याग सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म फिट नहीं हो रहा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, चाहे उसमें एक्स हो वन हो जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल से ही डील करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, 2 पावर 1 वन पावर टू एक्स प्लस 3 पावर 2 2 पावर 3 एक्स स्क्वायर, ठीक
प्लस सो ऑन, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या निकाल, अब कैसे निकालेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए जो एनवा टर्म होगा, यहां पर पहले टर्म में क्या आ रहा है टू, दूसरे टर्म में क्या आ रहा है थ्री, पावर जो पहला टर्म है उसमें वन, दूसरे टर्म में टू, इसका मतलब जो एनवा टर्म होगा यू एन वो कैसे होगा, एन प्लस वन की पावर एन। नीचे तो आप देख सकते हैं पहले में वन में वन आ रहा है, टू में टू आ रहा है, ये तो आ ही रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे एन, और फिर क्या लिखेंगे एन प्लस वन, क्योंकि वन में टू था टू में थ्री हो गया, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, और एक्स की पावर तो एन के ही तरह चल रही है। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, यू एन निकाल के रखना है, ओके। ये पहला स्टेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यदि ये सही नहीं निकला तो आपका क्वेश्चन भी सही नहीं बनेगा, इसलिए इसको बहुत सीरियसली आप लोग ट्राई करेंगे, हर क्वेश्चन में इस तरीके से निकालेंगे, किस्मत अच्छी रही तो क्वेश्चन में ही दिया होता है, ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, किस्मत अच्छी रहती है तो वही मिल जाता है। फिर हम निकालेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन हम निकालेंगे, ठीक है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन हम निकालेंगे। यदि ये ग्रेटर देन जीरो है तो श्रेणी अपसारी होती है, एक्स पे निर्भर नहीं करना चाहिए, यदि एक्स पे निर्भर कर रहा है तो फिर आपको अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है, और यदि इक्वल टू जीरो है तो श्रेणी कैसी होती है, श्रेणी श्रेणी को जांचेंगे, क्योंकि फिर ये किस पर निर्भर करने लगेगी, एक्स पर, एक्स के मान पर निर्भर करने लगेगी, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि आप क्या लेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे यू एन की, अब ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो श्रेणी डायरेक्ट क्या हो जाती है, अपसारी हो जाती है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तीसरा जो है हमारा, तीसरा स्टेप किसके बाद, जीरो आने के बाद, ये यहां से ये तो अपसारी हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके बाद खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब यदि यदि यू एन को एन के बीजगणितीय पदों में व्यवस्थित कर सकते हैं तो हम क्या लगाएंगे, तुलना परीक्षण लगाएंगे, अब तुलना परीक्षण कैसे लगाएंगे, ठीक है, अब आ जाते हैं हम तुलना परीक्षण पे। तो तुलना परीक्षण देखिए, मैं कलर अलग कर लेता हूं, तुलना परीक्षण, ठीक है, अब आते हैं तुलना परीक्षण पे। ठीक है, तो तुलना परीक्षण के लिए दो श्रेणियां चाहिए होती हैं, यू एन और समेशन वी एन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये हमको बनाना है, ठीक है, ये हमको बनानी पड़ती है। तो यू एन क्वेश्चन है, वी एन हमको कैसी बनानी है, तो वी एन हम कैसे बनाएंगे, वी एन बनाएंगे यू एन और वी एन। अब इसको बनाएंगे कैसे, वी एन को, वी एन हो जाता है यू एन के ही टर्म में, यू एन के टर्म में ऊपर की घात माइनस नीचे की घात, इस तरीके से हम क्या करते हैं, वी एन को बनाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से हमको वी एन को बनाना है, वी एन याद करने की विधि, ठीक है। यदि यू एन में यदि यू एन है
यूएन है ए की पावर एन क्यू प्लस बी की पावर एन क्यू माइनस वन, इस तरीके से ऊपर है, और नीचे है आपके पास ए एन की पावर पी बी एन की पावर पी माइनस वन, इस तरीके से चल रहा है। तो वी एन हम कैसा लेंगे, वन अपॉन एन में नीचे की पावर माइनस ऊपर की पावर, इस तरीके से लेंगे, नीचे की पावर माइनस ऊपर की पावर, ठीक है, ये हम कर लेंगे। और यदि वन अपॉन एन केस में चल रहा है ना, यदि मान लीजिए यू एन कैसे चल रहा है, इस तरीके से ए अपॉन एन की पावर के प्लस बी अपॉन एन की पावर के माइनस वन या के प्लस वन, इस तरीके से चल रहा है। तो वी एन सिंपल जो सबसे छोटा टर्म है वन अपॉन एन की पावर के आप ले लीजिए, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कैसा करेंगे, क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ओके, जैसे एग्जाम्पल है समेशन यू एन हमको दिया हुआ है वन अपॉन वन टू थ्री प्लस वन अपॉन टू थ्री फोर प्लस वन अपॉन सॉरी वन और ये थ्री थ्री फोर फाइव, यहाँ है फाइव, चलते जा रहे। तो देखिए यू एन पहले निकालेंगे, यू एन हमारा कितना हो जाएगा, वन में वन आ रहा है, टू में थ्री आ रहा है, थ्री में फाइव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये है टू एन माइनस वन, नीचे है एन एन प्लस वन एन प्लस टू, ठीक है। और तो अब यहां से हम वी एन कैसे निकालेंगे, वी एन में देखिए सिर्फ जितनी पावर है एन के वो छोड़ते जाइए, ये एन लिखा मैंने, इसमें भी एन लिखिए, इसके लिए भी एन लिखिए, इसके लिए भी एन लिखिए, यानी कितना हो गया वन अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल जाता है, वी एन निकल जाता है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से देखिएगा एग्जाम्पल, फिर से देखिएगा और अलग अलग इसके लिए बना के देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम परीक्षण पे, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, तुलना परीक्षण में हम निकालेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन अपॉन वी एन, ठीक है, यू एन अपॉन वी एन हम निकालने की कोशिश करेंगे, ओके। तो यू एन अपॉन वी एन हमने रख दिया यहां पर, और यदि क्या आता है ये के बराबर आता है, यदि क्या आता है के, जहां पे ये कैसा है, परिमित शून्येतर राशि, यानी जीरो नहीं होना चाहिए और परिमित होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। तब यू एन और समेशन वी एन साथ साथ अभिसारी या अपसारी होते हैं, ठीक है, साथ साथ अभिसारी या अपसारी होंगे, ठीक है। अब वी एन को हम कैसे चेक करेंगे, यू एन तो कर लिया हमने चेक, वी एन को हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो वी एन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन वी एन की का अभिसरण, तो जनरली ये कैसा आता है, समेशन वन अपॉन एन पावर पी की तरह आता है, ठीक है, ये आता है। तब ये होगा अभिसारी, होगा अभिसारी जब पी इज ग्रेटर देन वन, अपसारी होगा जब पी इज लेस देन इक्वल्स टू वन, ठीक है, यानी एन की घात पर डिपेंड करेगा, यदि पी से बड़ी है तब ये क्या होगा, अभिसारी, और अपसारी होगा जब पी से छोटा होगा, यानी बेसिकली इसका समरी क्या है तुलना परीक्षण की, कि आप क्या करेंगे, यू एन आपको दिया रहेगा, ये देखिए, ये इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं, यू एन आपको दिया हुआ है, ठीक है, वी एन आपको निकालना है, ये वी एन हमको निकालना है, ये हमने निकाला,
और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन कर रहे हैं। और के कैसा आना चाहिए, के आना चाहिए परिमित शून्येतर राशि आपको मिलनी चाहिए। यदि मान लीजिए ये मिल जाता है तब यू एन और वी एन साथ साथ आपकी सारी अपसारी होते हैं। तो अब इसी जो क्वेश्चन हमने बनाया है उसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास क्या है, हमारे पास है यू एन किसके बराबर है, यू एन बराबर है 2n-1 अपॉन एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन वी एन अपॉन वी एन। वी एन कितना है, 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2n-1 इंटू एन स्क्वायर अपॉन एन एन प्लस वन एन प्लस टू। तो इसको हम निकालिए कॉमन, तो पूरा एन यहाँ आ जाएगा एन क्यूब, यहाँ आ जाएगा 2-1 अपॉन एन और नीचे एन क्यूब, यह आ जाएगा 1+1 अपॉन एन 1+2 अपॉन एन। तो यहाँ से जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आपको ये पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचे कितना 2। ये परिमित राशि आई, परिमित राशि। इसका मतलब यू एन और वी एन साथ साथ क्या होंगे, अभिसारी या अपसारी, यानी यू एन और वी एन साथ 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 अभिसारी या अपसारी होंगे होंगे। अब वी एन हमको कितना मिला हुआ है, 1/n² ठीक है। तो पी परीक्षण, पी परीक्षण से यहाँ पर पी कितना है, 2 विच इज ग्रेटर देन 1, और जब ग्रेटर देन 1 होता है तो वी एन कैसा होगा, समीशन वी एन कैसा होगा, अभिसारी। इसका मतलब समीशन यू एन भी कैसा होगा, अभिसारी होगा। ये आपका तरीका होता है किसका, तुलना परीक्षण का। क्लियर है, एक बार फिर से समझिएगा, करना क्या है आपको, यू एन दिया होगा, वहां से आपको वी एन निकालना है, यू एन अपॉन वी एन निकाल के लिमिट लेनी है, लिमिट कैसी आएगी, शून्येतर राशि। पी परीक्षण लगाना है वी एन पे, ग्रेटर देन 1 होगा तो अभिसारी, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो अपसारी, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, तुलना परीक्षण, कब, जबकि हम यू एन को किस में जमा सकें, एन के बीज गणितीय रूप में जमा सकें तब। क्लियर है, अब हम आते हैं किस पर, अगले स्टेप पे, कि यदि नहीं जमा सकते तब हमारे पास क्या होगा, या कोई और दूसरा हमारे पास तरीका है क्या, ठीक है, और कोई दूसरा तरीका है क्या, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। मान लीजिए बीज गणितीय रूप में नहीं जमा सकते, ठीक है, बीजगणितीय रूप में हम इसको नहीं जमा पा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा दूसरा स्टेप जो होता है इसी में ना, इसी में चल रही है, स्टार्ट है केवल। यदि यूएन में एन घात में हो तब मूल परीक्षण लगाते हैं, ठीक है। और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ यू एन निकालना आसान हो तो मूल परीक्षण लगाते हैं, मूल परीक्षण लगाते हैं, ठीक है। अब मूल परीक्षण क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। चलिए मूल परीक्षण है ना, अब यहां पर हम क्या करेंगे, रूट निकालना है हमको, और ये कब लगेगा, जबकि पावर में क्या हो, पावर में एन हो, ठीक है, पावर में क्या आ रहा है, एन आ रहा है आपके पास, ठीक है। मैं निकाल के रखता हूं पहले तो, कि मूल परीक्षण कहां पर है, ठीक
इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की पावर n, ठीक है, लेस देन 1 है, तो श्रेणी क्या हो जाती है, श्रेणी हो जाती है अभिसारी, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n ग्रेटर देन 1 हो तो क्या हो जाती है, अपसारी, और यदि ये इक्वल टू 1 आ गई, यदि इक्वल टू 1 आ गई तो परीक्षण असफल हो जाता है, परीक्षण असफल, तब फिर हम क्या जाएंगे, आगे जाएंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें, ओके क्लियर है। तो ये दो हमारे क्या आ गए, बेसिक, जब हम क्या कर सकते हैं, यू एन और वी एन आसानी से निकाल सकते हैं, तब की स्थिति में इसको हमको लगाना है, ठीक है। अगला, यदि मान लीजिए कि ये इसी में चल रहा है ना अभी, अब अगला हम मान लेते हैं कि नंबर 3, नंबर 3, यदि यदि यू एन में, यदि यू एन में लॉग एन का टर्म है, का पद है, तब हम क्या लगाएंगे, कॉची संघनन परीक्षण लगाएंगे, कॉची संघनन परीक्षण, ठीक है, कॉची का संघनन परीक्षण या कंडेंसेशन टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो लॉग एन यदि हमारे पास है तब हम इसका उपयोग आप करेंगे, कॉची संघनन परीक्षण इसमें देखिएगा, यदि एफ एन बराबर यू एन हम मान लेते हैं, और ये कैसा हो, ह्रासमान फलन, यानी कैसा, ए एन, सॉरी ए एन के बदले हम क्या लिखते हैं, यू एन इज ग्रेटर देन यू एन प्लस 1 है, ठीक है, तब समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन और इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, साथ साथ अभिसारी, साथ साथ अभिसारी या अपसारी होते, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको फंक्शन को इंटीग्रेशन में चेंज कर लेना है, जैसे एग्जांपल के लिए 1 + 1/2² + 1/3² + (n²) यदि है, तो एफ एन बराबर यू एन हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एफ एन बराबर 1/n², तो एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1/x², ये इंटीग्रेशन आपको इसका करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसमें एक सहायक श्रेणी रहती है, इसकी सहायक श्रेणी कौन सी रहती है, लॉग वाली, इसकी सहायक श्रेणी कौन सी रहती है, लॉग की रहती है, तो उसके लिए भी आप लिख लीजिए, उसके लिए भी आप ये लिख लीजिए, श्रेणी यू एन बराबर समेशन 1/n log n की पावर p, ये p ग्रेटर देन 1 पर क्या होगी, अभिसारी, और 0 p 1 में कैसी होगी, अपसारी, ठीक है, ये इसकी सहायक, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक 3 हमारे क्या हुए, टेस्ट हुए। अब इसके आगे के टेस्ट जो है वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम इसके क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। तो शुरुआत के कुछ सवाल आप बना के देखिए और फिर चेक कीजिए कि आपसे वो सवाल बनते हैं या नहीं बनते, ठीक है, चलिए, थैंक यू।